एक बार फिर से स्वागत है भोजपुरी 24/7 न्यूज में। आज हम आए हुए हैं आपको बता दें आरा सदर प्रखंड के अंतर्गत जमीरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जांच किए, जहां तक कि आपको बता दें कि वार्ड नंबर 3 में काम तो प्रगति पर दिखा, लेकिन यहां पर बहुत सारे कार्य जो हैं अभी आधे अधूरे किए गए। जैसा कि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आम भूमिका नल जल योजना को दिया गया है, तो नल जल योजना में लगभग इस वार्ड का 60% कार्य हुआ है और बाकी काम चल रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ एक महिला खड़ी है जिनका नाम है उर्मिला देवी जी, वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य हैं। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके माध्यम से क्या क्या कार्य हुआ, क्योंकि ये सत्य का चौथा साल जाने वाला है, बहुत जल्द चुनाव भी होने वाला है, इसी में सब कुछ देखना है। तो इसी तरह बने रहे और देखते रहे भोजपुरी 24/7 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हमारे साथ जो वार्ड सदस्य यानी वार्ड की मुखिया हमारे साथ खड़ी हुई हैं, जिनका नाम है उर्मिला जी, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपके पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में कार्य किस तरह चल रहा है, बोलिए। कार कैसन चलता सही चल रहा है? रोड बनना है जी, रोड पर निर्माण के बन रहा चलता, पानी टंकी भी बन रहा है नल जल के जी। तो रोगा कहानी कि पानी टंकी बन रहा बा नल जल के, तो पानी टंकी में का दिक्कत बा, अभी तक ले रहा अधे अधूरा भइल बा, कासि मार्च तक ले रहुआ सबे के फाइनल करके देवे के बा। और आज रोगा के बता दी कि 19 मार्च हो चुकल बा, तो का लगता कि विगत आने वाला पूरा मार्च में काम पूर्ण रूप से हो जाए? जी, मार्च में पूर्ण रूप से मार्च ले हो जाएगा, पानी नल जल से बीच जाएगा जी, चल जाएगा। और एक चीज और बताई कि अभी जो ये पूरा रोड बा वार्ड नंबर 3 के, ये टेंडर पास हो गई बा कि होखे वाला बा? हो गई बा, पास हो गया है रोड बनने के लिए। केकरा माध्यम से भइल बा और कब तक ले काम लागी? क्योंकि कुछ जनता के शिकायत ही मिल रहल बा कि और वार्ड नंबर 3 के जो ये रोड में काम चलता है, ये अपना माध्यम से करावल जाता, मुखिया प्रतिनिधि या फिर वार्ड के प्रतिनिधि के द्वारा नहीं कल जा सकत, या वार्ड जो प्रत्याशी बनी ओकरा माध्यम से नहीं होते। इमे राउर का भूमिका रह गई बा पूरे रोड में, माटी की भरा गई बा, शोधिंग के करना है। कब तक काम लगे? हमारे चैनल के माध्यम से बड़ा खुलासा दी, बड़ा न्यूज दी कि लोग भी देखे तो कहे कि ना कुछ अच्छा हो रहा बा। 5 तारीख ले ले हो जाएगा तो काम लगने वाला है। तो इसमें एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मुखिया जी का क्या शुभ नेम हुआ? मुखिया जी काम कराते हैं हम लोग पर, करते हैं। तो का नाम बड़ा और मुखिया मुखिया प्रतिनिधि के? उर्मिला देवी। मुखिया के उर्मिला देवी, वहाँ के मुखिया के उर्मिला देवी जी, रौर उर्मिला देवी जी बनी। तो बहुत अच्छा बा, दोनों आदमी के तालमेल बनते हुई। और एक और चीज हमारा के बताई कि नल जल योजना छोड़ करके ऐसा पूरा अपन वार्ड खातिर वह का कहनी कि माने कि रोवा के काशी एक और चीज सुनने के मिला होगा, 25 साल से वार्ड के मेंबर बानी जी। तो अभी हमारे वार्ड में कभी काम नहीं आया है, तो अब बन जाते हैं। तो 4 साल आपका हो गया, 4 साल हो गया पूरे पंचायती राज का, 4 साल होने वाला है। तो 2020 में फंड आया है तो हम लोग दिए हैं सब। तो ये बताइए कि आपके पूरे वार्ड लगभग लगभग जमीरा पंचायत में आपके 18 वार्ड है, 18 वार्ड के अंतर्गत क्या आप ही के वार्ड में चयनित होने में टाइम लगा है कि चयनित सभी वार्ड हो चुका है? जी, अभी वार्ड बाकी है। जो वार्ड बाकी है आपका तो चयनित हो गया है जी, तो आपका चयनित हो गया है कि जब 4 सालों में आपका कार्य क्यों नहीं दिख रहा है जी? तो अभी 20 से हुआ है तो अभी दिखाया है। एक और चीज अपने चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाह रहे हैं और आपके माध्यम से भी खुलासा करेंगे कि क्या आपके माध्यम से कोई कार्य हुआ है? पानी टंकी बन रहा है। एक और चीज बताइए कि आपके सचिव महोदय का क्या नाम? सुधीर कुमार। सिद्धूर कुमार जी का क्या रिस्पांस है काम के प्रति? इसी में देखभाल में है। तो हमारे चैनल के माध्यम से तमाम पदाधिकारी और तमाम मुखियागण भी, आपके पंचायत के भी और जनता भी देखेगी, तो क्या कुछ संदेश देना चाह रही हैं
कि आपके विगत वर्षों में आने वाले 2021 के चुनाव में आप फिर से बनी रहें, हमारी शुभकामना है, पूरी जनता की शुभकामना है कि आप बनी रहें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप क्या कुछ अच्छा करने वाली हैं कि आप आगे बनी रहें? रोड बनना है, रोड बनाना है 2020 में, और अभी 25 तक ले ले काम लगेगा। एक और अहम बात, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास चलाया जा रहा है, तो उसमें जिसमें गरीब भाइयों बंधुओं को एक रहने का मकान दिया जा रहा है और कुछ लागत दिया जा रहा है, तो क्या आपको ये पता है कि इंदिरा आवास में कितना रकम आ रहा है? 1.5 लाख आ रहा है। जी, तो 1.5 लाख में अभी तक ले पूरे आपके वार्ड से कितने लाभार्थी को आपने लाभ दिलवाया? 10 आदमी को। 10 आदमियों में से फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त और थर्ड किस्त किन किन लाभार्थी को मिला, क्या आपको पता है? अपने माध्यम से जांच किया? चलिए कोई बात नहीं, अपने माध्यम से आप करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज बताइए, हमारी जनता और हमारे पदाधिकारी और हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोग जानना चाहेंगे कि क्या अन्य पंचायतों की अपेक्षा, अन्य वार्डों की अपेक्षा आपके जो पंचायत के सहायक गण हैं, क्या अपने माध्यम से किसी दूसरे को एक शब्द में कहें, अगर भद्दे शब्द में, कि दलाल रखे हैं इस कार्य के लिए? जी नहीं, दलाल नहीं। जी, अच्छी बात है। और भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहो, देखते रहो भोजपुरी 24/7 से। मैं विष्णु साहब पाठक, अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील के साथ, जमीरा वार्ड नंबर 3।